ये कहानी कृष्णनगर में रहने वाले दो दोस्तों और उनकी दोनों पत्नियों की है। दोनों दोस्त एक दूसरे के बगल में रहते थे। रमेश की बढ़ई की दुकान थी और सुरेश की बाजार में कपड़े की दुकान थी। रमेश और सुरेश के बीच कभी ये स्पर्धा नहीं थी कि उनके पास अधिक पैसा और उनमें से कौन अधिक सफल व्यक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नियां हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। एक दिन रमेश की पत्नी सुमन कुछ महिलाओं के साथ बात कर रही थी और सुरेश की पत्नी मीरा भी वहां आ गई ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। तो मीरा ने देखा कि सुमन वहां सभी महिलाओं को मिठाई बांट रही थी। सुमन ने मीरा को देखा और उसके पास गई और ताने भरे स्वर में बोली, मेरे हीरे के हार को तो जरा देखो, कितना सुंदर है ना। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे ये हार गिफ्ट कर दिया। अरे मैं भी किसे कह रही हूँ, तुम्हारे पति ने तो आज तक तुम्हें एक सोने का हार भी नहीं दिया होगा। ऐसा कहकर सुमन जोर जोर से हंसने लगी। मीरा का जी चाहा कि अभी के अभी उसका हार तोड़कर उसके हाथ में रख दे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो अपने घर आई और अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसका पति घर आता है, वो एक सांस में सारी बात अपने पति को बता देती है। ये सब सुनकर सुरेश कहता है, क्या तुम भी बेकार की बातें सोच रही हो? सुरेश के ऐसा बोलते ही मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहती है कि बस हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो हर बार मुझे ताना देती है और आप कहते हो कि मैं भूल जाऊं, अब ये नहीं हो सकता। अपनी पत्नी को ऐसे देखकर सुरेश धीरे से बोलता है, अरे शांत हो जाओ, अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सुरेश के ऐसा बोलते ही मीरा के चेहरे पर एक खतरनाक हंसी आ जाती है और वो मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे चांद चाहिए, चांद ला कर दो मुझे। अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो, भला कोई चांद भी किसी को दे सकता है क्या? मीरा ने साफ साफ कह दिया कि अगर उसे चांद नहीं मिला तो वो सुरेश को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। अब सुरेश बुरी तरह फंस चुका था, ना ही वो चांद दे सकता था और ना ही वो मीरा को जाने दे सकता था। अब बेचारा सुरेश करे भी तो करे क्या। अगले दिन वो अपने दुकान में बैठा सोच रहा था कि अब ये चांद कहां से ला कर दें। अचानक उसे एक अद्भुत विचार आया। शाम को जब वो घर आया तो मीरा वैसे ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने मीरा से कहा, अच्छा बाबा, हार गए हम तुम्हारी जिद से, ला देंगे तुम्हारे लिए चांद, लेकिन बस एक दिन के लिए, बोलो मंजूर है तुम्हें? मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने कहा कि उसे मंजूर है। सुरेश ने मीरा को कहा कि वो 3 दिन बाद चांद को लेकर आएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। मीरा बेसब्री से सुरेश का इंतजार कर रही थी कि कब सुरेश घर पे आए और उसे चांद लाकर दे। जब सुरेश घर वापस आया तो मीरा दंग रह गई, क्योंकि वो वास्तव में अपने साथ चांद लाया था। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि चांद इतना चमकीला और इतना सुंदर था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम तो मेरा विश्वास ही नहीं कर रही थी। फिर सुरेश ने मीरा को अपने घर की खिड़की के बाहर आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो आज आकाश में चांद नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। फिर सुरेश ने कहा, देखो अब हो गया ना चांद तुम्हारा, अब मुझे चांद वापस दे दो, मुझे इसे कल रात से पहले आकाश में वापस रख कर आना है। मीरा ने कहा कि चांद ले जाने से पहले उसे चांद के साथ एक तस्वीर चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब पाताल लोक में एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली राक्षस का राज था, जिसका नाम मायासुर था। उसने पाताल लोक में सबका जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम सब का राजा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। सब उसके अत्याचार से परेशान थे,
और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन जब मायासुर अपने महल से निकला तो एक नादान बालक खेलते खेलते उसके सामने आ गया। उसने शक्तियों के अहंकार में चूर मायासुर ने बच्चे को देखा और कहा, ए बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे आगे चलेगा? लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। और ऐसा कहकर उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे बच्चे पे क्या अपनी शक्ति दिखाते हो? अगर हिम्मत है तो उन तीन भाइयों को मारकर बताओ, तब समझेंगे हम कि तुम में कितनी शक्ति है। ये सुनकर मायासुर को बहुत गुस्सा आया। उसका जी चाहता था कि वो इस बूढ़ी औरत को भी मार दे, लेकिन वो जानना चाहता था कि वो तीनों भाई कौन हैं, जिनको हराने की चुनौती ये बूढ़ी औरत दे रही है। मुझे पता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने तेरे दिल में ये उम्मीद जगाई? कौन है, बता मुझे। बूढ़ी औरत मायासुर को बताती है कि वो तीनों भाई धरती के वासी हैं और उन्हें जादुई शक्तियों का वरदान है। मायासुर ये बात सुनकर धरती पे आ जाता है और उन तीनों भाइयों को छुप कर देखता है ताकि उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके। अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। मायासुर को ऐसे छुपकर तीनों भाइयों को देखते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और हंसने लगता है। ये देखकर मायासुर को तोते पे बहुत गुस्सा आता है। तभी तोता मायासुर से कहता है, मायासुर, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहते हो ना, और इन तीनों भाइयों को छुपकर देख रहे हो, क्या यही तुम्हारी शक्ति है? अब तोते की बात को सुनकर मायासुर को और भी गुस्सा आ जाता है। ए तोते, तुझे क्या लगता है कि मैं इन तीनों भाइयों से डर गया? नहीं, कभी नहीं, मैं तो उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक ही साथ इन तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार कर पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं ही हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मायासुर को पता था कि वो तीनों भाई हर सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं। उसने यही समय सही समझा उन पर आक्रमण करने के लिए। अगले दिन वो नदी के पास उन तीनों की राह देख रहा था और हमेशा की तरह वो तीनों स्नान करने के लिए आए। मायासुर ने उन पे हमला कर दिया। नदी में से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी और ये आवाजें सुनकर मायासुर हंसने लगा। तभी अचानक से ये आवाजें बंद हो गई और पूरे वातावरण में शांति सी छा गई। क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ। मायासुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे। मायासुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए, लेकिन तीसरा भाई कहाँ है? तभी अचानक से मायासुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आ गिरी। वो जब तक उस लहर में संभल पाता, उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है। कुछ देर बाद जब मायासुर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड़ से खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तभी तीनों भाई उसके सामने आकर
हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, जरा डर लग रहा है ना? कितनी शर्म की बात है, पाताल लोक का राजा अब हमारे सामने ठंड से कांपते हुए डर रहा है। नहीं भैया, इसे डर नहीं लगता है, ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है। अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है। लेकिन अभी मायासुर हार मानकर बैठने वाला नहीं था, वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हंसने लगा। तभी अरुण और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुण ने अपनी पानी की शक्ति से मायासुर पे हमला कर दिया और उसको उठाकर पटक दिया और फिर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्ति को मिलाकर मायासुर पे हमला कर दिया और मायासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्यों, बोलती बंद हो गई? चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते थे। तभी वहाँ पर तोता आ जाता है और तीनों भाइयों को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानने के बाद तीनों भाई ये फैसला लेते हैं कि वो उसे मार देंगे ताकि पाताल लोक उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाए। नहीं, नहीं, मुझे सजा दीजिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे प्राण मत लीजिए। मायासुर को देखते हुए तीनों भाइयों को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी बात मान लेते हैं और उसकी सजा के लिए उसे उसके ही पाताल लोक में एक गुलाम बना देते हैं। आखिरकार मायासुर को उसके अहंकार की सजा मिल ही गई और उसे उसके लिए उसका फल मिला। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।